घुमारवीं के विधायक राजेंद्र गर्ग ने आशा कार्यकर्ताओं को मास्क व सैनिटाइजर देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा भेजे गए मास्क व सैनिटाइजरों को सभी को वितरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में आम लोग, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को इस संक्रमण के प्रति जागरूक करने व बचाव के प्रति सचेत करने में आशा वर्कर अहम भूमिका अदा कर रही हैं। इस अवसर पर उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं सहित स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य कर्मचारियों को मास्क व सैनिटाइजर लेकर सम्मानित किया। विधायक राजेंद्र गर्ग ने विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी जाकर कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि मास्क कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में प्रथम हथियार तथा सुरक्षा चक्र है और जन जन को सहयोग से कोरोना वायरस संक्रमण का स्थायी हल निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए एहतियात उपाय अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सभी को मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के तहत दो व्यक्तियों के मध्य में दो गज की दूरी रखनी चाहिए और बार बार अपने हाथ सैनिटाइज करने चाहिए अथवा साबुन से धोने चाहिए। उन्होंने कहा कि इन सभी नियमों से लोग परिचित हैं और कोरोना संक्रमण से बचाव में आवश्यक है कि जन जन इसका पालन करे। नमस्कार, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज पूरा विश्व जो है वो कोरोना महामारी के साथ जूझ रहा है और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका संगठन के नाते निभा रही है। इस दौरान किसी को कोई दिक्कत ना आए, चाहे वो मजदूर हैं, किसान हैं या अन्य लोग हैं, चाहे उनको भोजन की बात हो, चाहे राशन की बात थी, चाहे वो उनको मास्क पहुंचाने की बात थी, ये सारा काम जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार, जब से ये लॉकडाउन चला हुआ है और ये बीमारियां फैली हुई है, तब से लगातार इस काम को करती आ रही है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पार्टी को भी घर बैठे चलाने के लिए निर्देश किए हैं और जिसके तहत हम सब कार्यकर्ताओं के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपर्क में हैं और जो भी दिशा निर्देश हमारे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा जो दिए जा रहे हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, जिन्होंने हमें सैनिटाइजर यहाँ उपलब्ध कराए हैं और ये सैनिटाइजर हम यहाँ हमारी जो आशा बहने हैं जो जमीन पर लड़ाई इस महामारी के खिलाफ लड़ रही हैं, भागदौड़ कर रही हैं, दिन रात लगी हैं अपने काम में, वो सुरक्षित हों इसके लिए हम उनको सैनिटाइजर जो आदरणीय नड्डा जी ने हमको भेजे हैं मंडल के लिए उनको उपलब्ध करवा रहे हैं। और साथ ही हमारे महिला मोर्चा घुमारवीं की जो महिला अपने मोर्चा की कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो अपने हाथ से अपने घर पर मास्क बनाए हैं वो मास्क भी हम इन सबको उपलब्ध करा रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबका सहयोग जैसा हम पहले मिलता रहा है और भी उसी प्रकार प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को आप सबका सहयोग मिलता रहेगा और इस लड़ाई को, इस जंग को हम सब मिलकर जीतेंगे।